नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। आज हम आपको बताएंगे टू वे स्विच की वायरिंग पांच तरीके से कर सकते हैं। टू वे स्विच की वायरिंग पांच तरीके से आप कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, एकदम पांच तरीके से बिल्कुल वायरिंग परफेक्ट बताएंगे, और आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो इसी वायरिंग पर हमने प्रैक्टिकल करके भी बनाया था, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वायरिंग तो देखिए, जो हमारी ये पहली स्विच है, ये न्यूट्रल और फेस हम सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ से हमारा न्यूट्रल और फेस रहेगा, और इसकी वायरिंग हम पाँच तरीके से करेंगे। एक ही बल्ब को किसी भी स्विच से जला सकते हैं, किसी भी स्विच से बुझा सकते हैं। ये जो हमारी पहली स्विच है, इससे हम चाहे जला लें और दूसरी से बंद कर लें, चाहे दूसरी से जलाएं पहली से बंद करें, किसी से भी जला सकते हैं, किसी से भी बंद कर सकते हैं। तो चलिए पहली वाली जो हमारी है, देखिए वायरिंग, सबसे पहले आप न्यूट्रल के वायर को या फेस के वायर को, किसी एक वायर को स्विच के चाहे ऊपर चाहे नीचे ऐसे जोड़ दीजिए, और वही वाला तार फिर आगे बढ़ा के यानी दोनों स्विचों में डायरेक्ट पहुँचा दीजिए। और दूसरी वाला जो फेस का वायर है, वो भी दोनों स्विचों के डायरेक्ट निचले वाले पॉइंट में दोनों के जोड़ देते हैं। ऐसे मान लीजिए, अगर चाहे ऊपर न्यूट्रल चाहे नीचे फेस, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। और जो बल्ब का जो दो तार मिलेगा हमारे, देखिए एक बल्ब का एक तार एक स्विच में, और उसी बल्ब का दूसरा तार जो है स्विच के दूसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट में, ऐसे एकदम सिंपल सा जोड़ देना है आपको। मतलब न्यूट्रल को डायरेक्ट ऊपर ऊपर, और फेस को डायरेक्ट नीचे नीचे, और बल्ब का जो दोनों तार है वो दोनों के डायरेक्ट बीच वाले में जोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। चलिए हम दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं। दूसरा तरीका जो हमारा है, इसके लिए भी आप बहुत ही आसानी तरीके से, देखिए सबसे पहले तो आप न्यूट्रल को यहाँ से, आप चाहे तो सबसे पहले न्यूट्रल अपने उपकरण के एक पॉइंट में जोड़ देना है। जैसे हमारे ये बल्ब के एक पॉइंट में हम डायरेक्ट न्यूट्रल को जोड़ देते हैं, और जो हमारा फेस बचता है वो एक स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। और ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर और नीचे वाले पॉइंट को नीचे जोड़ दीजिए, ठीक है। बस अब जो एक पॉइंट स्विच का बचा है उसको ले आकर के हम यहाँ जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी स्विच, किसी भी स्विच से बल्ब को ऑन कर सकते हैं और किसी भी स्विच से बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये वायरिंग समझ में नहीं आ रही हो, तो इस वीडियो का फोटो स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए, और ऐसे वायरिंग करके इसको बारे में आप बढ़िया से समझ सकते हैं। टू वे स्विच में क्या है, देखते हैं, जानते हैं। आपको अगर स्विच को हम ऊपर की साइड दबाते हैं तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होता है, और अगर स्विच को हम नीचे की साइड दबाते हैं तो बीच वाला पॉइंट ये नीचे से टच होता है। बस यही होता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका हम आपको दिखा देते हैं। जो हमारा तीसरा तरीका है, वो भी है ऐसे कि अगर न्यूट्रल के वायर को हम यहाँ डायरेक्ट ऊपर जोड़ें, और ये न्यूट्रल और आगे बढ़ा के डायरेक्ट ऊपर वाले में न जोड़ के हम इसको तिरछा करके नीचे में भी जोड़ सकते हैं, और वही फेस यहाँ पे सीधा ऐसे, और ये इसी को हम और आगे बढ़ा करके उसके ऊपर वाले में जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा बल्ब का बचा, अब बल्ब का जो दोनों स्विचों में बीच बीच में पॉइंट बचा है, बल्ब के दोनों वायर को दोनों के बीच बीच में डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। तीसरा तरीका देख ही रहे हैं आप। और जो हमारा चौथा तरीका है, उसके लिए हम बता देते हैं आपको। जो चौथा तरीका है, उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से न्यूट्रल और फेस जैसे ऑन किए थे, न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ, देखिए न्यूट्रल तो जाएगा ही, सॉरी, यहाँ न्यूट्रल हम डायरेक्ट उपकरण के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं, जैसे कि हमारा ये लगभग दूसरा तरीका था, और ये फेस का वायर इसके बीच वाले पॉइंट में। और देखिए, ये ऊपर से ऊपर ना करके इसको ऊपर से नीचे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर से नीचे, और बीच वाले पॉइंट को इसके यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको पांचवा और सबसे आखिरी तरीका। पांचवा और सबसे आखिरी तरीका, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि न्यूट्रल न्यूट्रल इसमें दो साइड से आएंगे और फेस भी दो साइड से आएगा। तो जो कि न्यूट्रल को आप इधर के स्विच वाले में, और इधर का फेस इधर के स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में, और इधर से न्यूट्रल जो आ रहा है उधर के स्विच ऊपर वाले पॉइंट में, और इधर का फेस भी ऊपर वाले पॉइंट में, और जो दोनों बीच बीच का पॉइंट बचा है इसको सिंपल सा बीच ये बल्ब के एक एक पॉइंट में जोड़ देना है आपको। ये बहुत ही आसान पांच तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। किसी भी तरीके से वायरिंग का प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। हम इसका वीडियो जो प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वायरिंग है, पांचों तरीका में से किसी को भी अपना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो बहुत सारी देखना चाहते हो, तो हम हर रोज़ आपको लिए आपके लिए हर एक वीडियो अपलोड करते हैं। हर रोज़ कम से कम दो वीडियो अपलोड करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नीचे लाल घंटी पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।